हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोथा घास के बारे में, जो कि अलग अलग फसलों में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में मोथा घास के बारे में, जो कि किसानों के लिए ये काफ़ी फसलों के अंदर सिर दर्द बना रहता है। अलग अलग फसलों में ये उगाता है और ये काफ़ी उत्पादक क्षमता को भी कम कर देता है। तो मोथा घास को ख़त्म करने के लिए किसान अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोथा घास फसलों के अंदर से ख़त्म नहीं होता है। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे मोथा घास को ख़त्म करने के क्या उपाय होते हैं, किस किस दवाओं का, किन किन दवाओं का फसलों के अंदर इस्तेमाल करने के बाद मोथा घास को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काफ़ी दवाओं के बारे में, जो कि मोथा घास के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ये हमारा मेंथे का खेत है दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, आपके वीडियो के माध्यम से देखा था कि काफ़ी मोथा इसमें आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मेंथे के अंदर का मोथा काफ़ी मात्रा में उग चुका है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये हमारी मेंथे की फसल है, यानी कि जिसको हम मेंथे के नाम से जानते हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में जो जहाँ तहाँ मोथा है, यहाँ वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर मोथा उग चुका है मेंथे की फसल में, जो कि मेंथे की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र को भी काफ़ी एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि पौधे को, प्लांट्स को जो है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होने देता। तो दोस्तों हम मेंथे की फसल के अंदर विजिट करके चेक कर लेते हैं कितना मोथा इसके अंदर आ चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ भी काफ़ी खरपतवार आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मेंथे की फसल के अंदर जो है मोथा काफ़ी मात्रा में उग चुका है। तो इसका सही समय पर ट्रीटमेंट करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ये फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचा सकता है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा, फसल के अंदर मोथा काफ़ी अधिक मात्रा में आ चुका है, जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। चलिए अब कुछ बिना कुछ देरी किए हुए हम दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं एट्रोजिन के बारे में, जो कि घास के लिए काफ़ी यूज़फुल दवाई होती है, जो कि मार्केट के अंदर हम जो है एटलस नाम से मिलती है। ये WP फॉर्म में होती है, जिसका सीधा सा मतलब होता है बिटेबल पाउडर, यानी कि घुलनशील पाउडर।
ऐसे हम नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ग्लाइफोसेट के बारे में। ग्लाइफोसेट 40% के अंदर आता है, जो कि घास के अंदर काफ़ी यूजफुल होता है, और मार्केट के अंदर ये ग्लाइसेल के नाम से मिल जाता है, जो कि घास की दवाई के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों बासाग्राम के बारे में, जो कि घास के लिए सभी फसलों में काफ़ी यूज़फुल होता है। सभी तरह की घास को ख़त्म करने के लिए ऑल क्रॉप्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कुछ दवाओं के बारे में जाना, जो कि घास को ख़त्म करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और भी इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब